अगर आप इसे कैरी करेंगे तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे आपके लिए, आपको फर्दर एग्जामिनेशन से बैन किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूपीएससी एडमिट कार्ड is here for the 16th June exam. Okay, this time it is just 9 days before your exam. Usually it was 20 to 25 days. Already it is very late, so please be very careful with this admit card. Sari cheeze hum log thoroughly check kar lenge. All instructions jinka hame dhyan rakhna hai for the exam, hum unko ek bar read out kar lenge. Okay, for students jinko issue hai ki kaise admit card download karna hai, what all have to be taken care of, hum ek bar quickly discuss kar lete hain. Okay, so let's from the start. यहाँ पे अगर हम लोग गूगल पे टाइप करेंगे upsc.government तो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होके आ रही है upsc.government.in. दिस इज इट, हमें इसी पर ही क्लिक करना है. देन ये डायरेक्ट कर रहा है आपको एग्जामिनेशन पेज की तरफ. ठीक है, यहाँ पे ई एडमिट कार्ड मेंशन है एंड हेयर इट इज शोन कि ये 7th जून को इशू हुआ है. इसी पर क्लिक करके आप स्क्रीन पर आ जाएंगे. क्लिक हियर, आपको सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं जो हमें ध्यान रखनी है फॉर द डेट ऑफ 16th. एक बार क्विकली इनको रीड आउट कर लेते हैं ब्रीफली, हम कुछ मिस आउट नहीं करेंगे. सो आप अपने ई कार्ड को प्रॉपरली केयरफुली रीड करेंगे, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है आप इन्फॉर्म करेंगे इमीडिएट बेसिस पे. क्या डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, आपका रोल नंबर मेंशन नहीं है, या फिर आपकी लोकेशन जो है उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है, या फिर आपके पेरेंट्स का नाम वो नहीं है जो आपने फॉर्म में लिखा था. बी इट एनीथिंग जो मैच नहीं होती है आपके फॉर्म से, जो आपने फॉर्म फिल किया था, आप उसे नोटिफाई करेंगे यहाँ पे. ठीक है, इसके बाद अपने नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये सब आप वेरीफाई करेंगे. एग्जामिनेशन डेट शुड बी मेंशन्ड 16th, paper 1, paper 2, these all should be matching very much correctly, okay? इसके बाद ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है. आप प्रिंट आउट लेके जाएंगे विद एन ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड. प्रिंट आउट फोटो आइडेंटिटी का नहीं रख सकते हैं, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट ये ओरिजिनल कैरी करेंगे. इसके बाद जो हमारा ई एडमिट कार्ड में नंबर मेंशन्ड है वो देखेंगे उसी एग्जाम हॉल में हम जाएं. लाइक मेरे जो वेन्यू मेरे को अलॉटेड है मैं उसी सेंटर पे एग्जाम दे सकती हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी दूसरे वेन्यू पर जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं. ओके, इसके बाद आप ही सोली रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ई एडमिट कार्ड की कस्टडी के लिए. ऐसा नहीं हो सकता किसी दूसरे एस्पिरेंट, दूसरे स्टूडेंट के पास आपका आईडी कार्ड मिले या फिर आपका एडमिट कार्ड मिले. दैट विल बी कंसिडर्ड माल प्रैक्टिस. ओके, सो प्लीज ट्राई एंड अवॉइड इट. इसके बाद जो आपकी ओएमआर शीट है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उसमें कोई ओमिशन ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो आपके फिल करते टाइम. इफ़ आप उसको फिल करने में कुछ भी दिक्कत कर देंगे, कोई मिस्टेक कर देंगे, कोई ओमिशन कर देंगे, बी इट योर रोल नंबर या फिर आपका कोड्स या फिर सब्जेक्ट कोड, वो पेपर, वो ओएमआर शीट कैंसिल हो जाएगी. इट विल नॉट बी री इशूड. बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इसको फिल करते टाइम. इसके बाद जो आप एग्जामिनेशन वेन्यू पे जाएंगे, प्लीज़ बी वेल इन टाइम. 30 मिनट्स बिफोर तो एग्जामिनेशन सेंटर क्लोज हो जाएगा. सो योर पेपर इज़ एट 9:30 AM. 9 के बाद तो नो एंट्री इन एनी केस. 9:01, 9:02, 9:03, बी इट एनीथिंग, 9 पे वो क्लोज हो जाएगा. सिमिलरली फॉर 2 PM, 2 PM पे. सो नेक्स्ट इज वेन्यू. वेन्यू आपका 30 मिनट्स पहले क्लोज हो जाएगा. सो जब आपका एग्जाम टाइमिंग 9:30 मेंशन्ड है, सो बिफोर 9 आप एंट्री कर लीजिए. आफ्टर 9:01, 9:02 एंट्री इज नॉट पॉसिबल. ऑल्सो सिमिलरली इन द केस ऑफ आफ्टरनून एग्जाम, 2 बजे के बाद किसी केस में एंट्री नहीं मिलेगी. तो आप प्लीज बी वेल इन टाइम अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर. भीड़ होती है, क्यू होता है, सो प्लीज बी कंसिडरेट ऑफ दैट और टाइमली आइए. इसके बाद आप ट्राई कीजिए कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को एक बार विजिट कर लें, बिकॉज ऐसा ना हो कि 2 एंट्रेंसेज हैं, बैक डोर है, कॉलेज भी सेम नाम का है, स्कूल भी सेम नाम का है, बोथ आर इन वेरी मच क्लोज एरियाज, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाए. दिस शुड नॉट बी द केस. इसके बाद
जो हमने डिस्कस कर लिया कि आप सिर्फ अपने ही वेन्यू पर अपीयर कर सकते हैं. देर आर सम स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, दीज आर फाइन, ये देख लिया है. ओके, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ऐसा पोजीशन नहीं होना चाहिए, बी इट मोबाइल फ़ोन, बी इट इज स्विच्ड ऑफ या एयरप्लेन मोड, किसी भी तरीके का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई पेजर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कोई स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव, एनीथिंग, एनी ब्लूटूथ डिवाइस, कोई स्मार्ट कार्ड, कोई छोटा कार्ड, कुछ भी अलाउड नहीं है. यू कांट टेक इट इनसाइड द प्रेमिसेस. प्लीज़ डोंट कैरी. अगर आप इसे कैरी करेंगे तो वो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे आपके लिए, आपको फर्दर एग्जामिनेशन से बैन किया जा सकता है. इसके बाद सिंपल और नॉर्मल रिस्ट वॉचेस आर अलाउड, स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड. बट आई विल देन एडवाइस यू कि आप ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉचेस मत कैरी कीजिए. सी एवरी वेन्यू ट्राइज कि वो एक अलग तरीके से ऑपरेट करें. ऐसा हो सकता है कि वो वेन्यू आपको नहीं अलाउ करेगा सिंपल वॉचेस भी. दैट इज़ द केस विद मेनी स्टूडेंट्स, हुआ है. तो प्लीज़ ट्राई कीजिए बहुत नॉर्मल वॉच कैरी कीजिए कि इफ़ आपको उसे सबमिट कराना पड़ गया, देर शुड बी नन इश्यूज आपकी साइड से ना. देन इसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि एक नेगेटिव मार्किंग है इन बोथ द एग्जाम्स. बोथ एग्जाम्स हैव डिफरेंट नेगेटिव मार्किंग, बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस. GS पेपर 1 है, उसकी नेगेटिव मार्किंग इज 1/3. GS पेपर 2 है, उसकी नेगेटिव मार्किंग इज 1/4. ऐसा नहीं है कि आप इररिस्पॉन्सिबली अटेम्प्ट कर सकते हैं. नो, बी वेरी केयरफुल, आपको जो आता है उसे अटेम्प्ट कीजिए. बी वेरी कैलकुलेटिव कि आप कितना अटेम्प्ट करेंगे, कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितने एरर्स आप देख सकते हैं, एज इन अपने करेक्ट आंसर्स के बेस पे. ओके, देन ब्लैक बॉल पॉइंट इज द ओनली पेन जो आप वहाँ यूज कर सकते हैं. ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू बॉल पेन नो, एनी जेल पेन, इंक पेन नो, टोटली नो. एग्जामिनर्स आपको नहीं देंगे तो प्लीज बी वेल अवेयर, आप इसे कैरी जरूर करेंगे, दिस इज अ मस्ट. ओके, कोई कॉस्टली आइटम्स, बी इट योर ज्वेलरी, योर बैग्स, एनीथिंग, एग्जामिनेशन वेन्यू इसकी सेफ कीपिंग अश्योर नहीं करता. ऐसा हो नहीं सकता कि हर वेन्यू आपको प्रोवाइड करे आपकी सेफ्टी के लिए, आपके बैग्स के लिए. सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि कुछ ऐसे भी स्कूल्स या वेन्यूज हो सकते हैं जहां आपकी सेफ कीपिंग के लिए कुछ भी नहीं होगा. प्लीज़ ओनली कैरी द बेयर मिनिमम. ओके, इसके बाद कैंडिडेट जिसकी ई एडमिट कार्ड पे फोटो क्लियर नहीं है, पिक्सल्स खराब हैं, या किसी भी वजह से वो अपलोड में एरर आ गया या कुछ भी आ गया, अब आपको लग रहा है ई एडमिट कार्ड पे और मेरा फेस इज नॉट वेरी मच वेरीफाइएबल, वहाँ पे जो आपको मिलेंगे इन्विजिलेटर्स वो आपको वेरीफाई करेंगे उस फोटो से, अगर उसमें कुछ भी आपको कमी लगती है, प्लीज़ कैरी योर लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जिसमें आपका नेम और फोटोग्राफ के नीचे आपकी डेट ऑफ क्लिकिंग मेंशनड होगी. ओके, दैट विल वेरीफाई कि जो आप आए हैं दैट इज द फोटो और आपको वेरीफाई कर सके वो. ओके, इसके बाद अपना नाम, फोटोग्राफ, QR कोड जो ई एडमिट कार्ड पे है, प्लीज़ ट्राई कीजिए, चेक कीजिए कि वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसको कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए. अगर है प्लीज़ इन्फॉर्म द बोर्ड एज सून एज पॉसिबल. इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने स्क्राइब अपना ऑप्ट किया है, स्क्राइब विल बी अलाउड पर उनका एक सेपरेट एडमिट कार्ड होगा, प्लीज़ आप उसकी टेक केयर करें, आप उसे प्रिंट करें, बी रेडी विद इट. इसके साथ दिस इज़ वेरी मच एडवाइस्ड कि आप एग्ज़ाम सेंटर को एक दिन पहले विजिट कर लीजिए कि आप फेमिलियरिटी हो, आपको रास्ता आने जाना पता हो, आप टाइम कैलकुलेट कर सकें, आप कोई भी आपको लास्ट मिनट चेंजेस या सरप्राइजेज नहीं मिलने चाहिए. ठीक है, देन इफ़ यू हैव चेंज योर नेम बाय द फॉलोइंग लीगल प्रोसेसेस, एज इन अपना फॉर्म फिल करने के बाद या पहले अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किया है, प्लीज़ ट्राई एंड अपना ट्राई करेंगे कि गेजेटेड नोटिफिकेशन में जो नाम इश्यू हुआ होगा आप वो डॉक्यूमेंट भी कैरी करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट हियर. ओके, अब हमने ये सब पढ़ लिया है, इसका प्रिंटआउट चाहिए होगा तो आप प्रिंटआउट ले लेंगे. ठीक है, देन बाय रोल नंबर और बाय रजिस्ट्रेशन ID बोथ आर ऑप्टेड हियर, आप इनको प्रिंट कर लीजिए, अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कीजिए. जब आप अपना ई एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेंगे, कुछ ऐसा आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आ जाएगा. अब हम इसमें देख लेंगे हमें वेरीफाई क्या करना है. बाहर हमने बार बार पढ़ लिया वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है. फर्स्ट इज डेट ऑफ एग्जाम, दिस शुड बी 16th June 2024, ध्यान रखिए. उसके बाद आपका एग्जाम, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2024, इसी का आप एग्जाम दे रहे हैं. UPSC बोर्ड बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, ध्यान रखिए कि आपका कोई दूसरा एडमिट कार्ड तो नहीं डाउनलोड हो गया है. देन योर नेम, आप जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड कैरी करेंगे, बी इट योर आधार, बी इट योर ड्राइविंग लाइसेंस और योर पासपोर्ट,
एनीथिंग जो नेम यहाँ पे मेंशनड है ना एबीसी, सो दिस नेम शुड ऑल्सो बी एबीसी। ओके, कभी कभी शिफ्टिंग होती है कि सिंह लगा है, कुमार लगा है, सरनेम लगा है, यहाँ नहीं है पर यहाँ है, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, आपको कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिर प्लीज़ ट्राई कीजिए ये और ये नाम सेम हो। दूसरा, जब आपने फॉर्म फिल किया था उसमें जो आईडी कार्ड आपने किया था कि आप ये अपनी आइडेंटिटी प्रूफ लगा रहे हैं, ट्राई कीजिए आप सेम आइडेंटिटी प्रूफ ही यहाँ पे कैरी करें। ओके, दिस इज़ वेरी मच टू बी टेकन केयर ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ का। देन योर रोल नंबर, प्लीज़ चेक इट, ये सेम हो। देन फादर्स नेम, ट्राई कीजिए फादर्स का नेम भी यहाँ अलग मेंशन ना हो और यहाँ अलग ना हो। सिर्फ इनमें क्या इश्यूज आते हैं ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के यूजुअली, ठीक है, नाम सेम होता है बट किसी में यहाँ पे फादर का थ्री नेम मेंशन है, लाइक देर इज अ मिडिल नेम, बट हियर देर इज ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, मिडिल नेम इज नॉट मेंशनड, तो वो इनकरेक्ट हो जाता है, वो नहीं कंसिडर किया जाता। ओके, देन योर सेंटर, यहाँ पे आपका वेन्यू है, आप इसको एक दिन पहले विजिट करेंगे, आप देखेंगे क्या टाइम लग रहा है, कितना टाइम चाहिए, कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो, इसीलिए ज़रूरी है ये करना। इसके बाद आपका पेपर वन, दिस इज 9:30, जहाँ पे हमें पता है आफ्टर 9 नो एंट्री इन एनी केसेस, दिस इज 2:30, जहाँ पे आफ्टर 2 देर विल बी नो एंट्री इन एनी केसेस। ओके, देन देर आर 3 इंस्ट्रक्शंस मेंशनड हियर, ये तीनों डबल दूसरी बार आपको इन्फॉर्म की जा रही है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। हियर इट इज मेंशनड कि आप मोबाइल फोन या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं कैरी करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन, आपको फ्यूचर एग्जाम से बैन कर दिया जाएगा, यूपीएससी या किसी और बोर्ड में अपीयर नहीं कर पाएंगे, डोंट मेक दिस मिस्टेक। ओके, इसके बाद ब्लैक बॉल पॉइंट आपको खुद कैरी करना है, इट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू भी नहीं, ठीक है। देन कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, आई होप आपने आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, आपने बहुत अच्छे से इसे सुना होगा, आप अकॉर्डिंगली ही इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना ई एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करेंगे, एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके।